नमस्कार। बहुत अजीब सा बात है कि आज एक मीडिया पर्सन हो करके यानी एक रिपोर्टर हो करके ये न्यूज़ चैनल में फिर से अपना जो है प्रेस ब्रीफिंग हम लोग रख रहा है। लेकिन आप सभी को बता दूं, आज बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर एक बैठक 3D होटल में हम लोगों ने रखा है रिगार्डिंग जो है ऑल अरुणाचल फ्रेश मीडिया वेलफेयर सोसाइटी को लेकर के। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ, जो अभी हम लोगों ने एक ऑल अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी बनाया है, ये किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ना APC, ना APUCH, ना ADMA। हम लोगों ने एक अपना जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश के जो मीडिया पैटर्निटी है, जो रिपोर्टर है, जो जर्नलिस्ट है, जो ओनर है, उनको ले करके हम लोग एक सोसाइटी आज बनाया है। और सोसाइटी का काम यही होगा कि जो जर्नलिस्ट जो बाहर में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, उनके सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, और साथ ही साथ मीडिया का जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज क्या होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, इसको लेकर के आज हम लोग एक NGO फॉर्म कर रहा है। तो ये NGO लगभग आज के इस बैठक में हम लोग ने फाइनलाइज कर दिया है कि ये अभी ऑफिशियली अभी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चालू होगा। लेकिन ऑलमोस्ट कागज जो खत्म हो गया है, अभी DC के तरफ से जो NGO रजिस्टर्ड करता है उसमें जा करके हमको फाइनलाइज करना है, ऑफिस कहाँ होगा, कैसे काम करेगा उसमें शुरू होगा। लेकिन यहाँ जितना हम लोग का मास आज गैदरिंग है, इन्होंने यूनिनिमसली हम लोग ने डिस्कशन ये लाया है कि ये वेलफेयर सोसाइटी जो है होना चाहिए। ये केवल कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, पूरा अरुणाचल के लिए है। 26 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कैपिटल कॉम्प्लेक्स तो हम लोगों ने बनाया। लेकिन आप सभी को सबसे पहले जानकारी देना जरूरी है कि आज के इस बैठक में कितने मीडिया जो है हाउसेस जो है पार्टिसिपेट किया है, इसको बताना जरूरी है। सबसे पहले अरुण भूमि, अरुणाचल समाचार, हिल्स न्यूज, ATTV, द वॉइस ऑफ कामले, खबर अब तक अरुणाचल, पपुम पारे न्यूज, PP24x7 न्यूज, AK न्यूज, नॉर्थ ईस्ट न्यूज टुडे, द स्पार्क न्यूज, डाउनलिट नाउ, नेफा लाइव, पपुम पोमा न्यूज, द इनसाइट डेली, नॉर्थ ईस्ट नोशन, W2, द दिवांग न्यूज, द राइजिंग सन, कामले न्यूज, अरुणाचल सेंटिनल, वेस्ट कमिंग न्यूज, दिवनीति जागरण, अरुणाचल डिजिटल न्यूज, द वैली फ्रेस, कुरुंग कुमे न्यूज, अरुणाचल मोजो न्यूज, दिवांग डिजिटल न्यूज, अवध TV, कमिंग खबर, जीरो टाइम्स न्यूज जेड। कुल मिलाकर 32 मीडिया हाउसेस है आज के इस बैठक में शामिल हुआ है। और उनका ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में मीडिया को लेकर के एक सोसाइटी फॉर्म की जानी चाहिए, जो कि मीडिया रिपोर्टर के उनके जो है लाइव में सेफ्टी सिक्योरिटी को बात करने वाला, और मीडिया जितना भी मीडिया को लेकर के जो लीगल सेल होता है या फिर लीगल जो अवेयरनेस जिसको देना है, या फिर ड्रेस कोड कैसे होना है, न्यूज़ कंटेंट क्या होना है, इसको लेकर के हमारे बीच जो है चर्चा हुआ और आज इसको हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। मान के चलिए कि आज से ये NGO जो है फॉर्म हो गया है। और हमारा आने वाला समय में हमारा ये जो 32 न्यूज़ जो हाउसेस है, इनका जो है अपना एक प्रेस जो है क्लब होगा, जहां पर जो है मीडिया ब्रीफिंग होगा। और साथ ही साथ यहां पर इस बात को हम लोगों ने जिक्र किया है कि ये 32 जो मेंबर है, जो मीडिया हाउसेस है, ये आने वाला समय में किसी भी मीडिया हाउसेस यानी क्लब है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर बन सकता है। यहां पर कोई रोक टोक नहीं है। और हमारे साथ भी अरुणाचल का कोई भी मीडिया हाउस अगर नया जो है रिपोर्टर या फिर मीडिया हाउसेस है वो हमारे ये सोसाइटी के अंतर्गत आ सकता है, हमारे यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने एक डिस्कशन ये भी किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट, चाहे वो दूसरा कंट्री में भी पढ़ाई करे या फिर दूसरा स्टेट में भी पढ़ाई करे मास कम्युनिकेशन को लेकर के, अगर उनका ग्रेजुएट या फिर PG खत्म हो जाता है तो डायरेक्टली वो जो है इस जो हमारा सोसाइटी के अंदर जो है मेंबरशिप बन सकता है, चाहे वो रिपोर्टर हो या फिर कहीं मीडिया हाउसेस में काम भी ना कर रहा हो, ना रिपोर्टर नहीं हो करके भी अगर आप
मास्कोम से ग्रेजुएट किया है या फिर पीजी किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मेंबरशिप बन सकता है। हमारा मकसद ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी मीडिया को लेकर के जो अपना प्रोफेशन जिन्होंने चुना है वो आगे बढ़ना चाहता है, उनको रास्ता दिखाना हमारा जिम्मेदार है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, कैसे न्यूज़ चैनल खोलना है, उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया है और यहाँ पर डायरेक्ट मेंबरशिप हो सकता है। लेकिन अरुणाचल में क्या होता है आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसे खबर चलता है कि एफिलिएटेड नॉन एफिलिएटेड, इसको सुन सुन के हम लोग थक चुके हैं, खासकर मैं थक चुका हूँ। मैं पिछले 5 सालों से एक डिजिटल मीडिया रनिंग कर रहा हूँ, अरुण भूमि, जिसको आप लोग जानते हैं, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि मीडिया हाउसेस में या फिर मीडिया पैटर्निटी में कोई मतलब एफिलिएटेड नॉन एफिलिएटेड बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना प्रोफेशन करके जब अगर आप मीडिया हाउसेस खोलना चाहता है या फिर रिपोर्टर बनना चाहता है तो उनको फ्री करना चाहिए, वो कहीं भी जा करके न्यूज़ कर सकना चाहिए, कहीं भी ब्रीफिंग ले सकना चाहिए, उनका अपना काम है ना, तो उसको रोक टोक नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग ने ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। और दूसरा, आप सभी को बता दूं कि किस कानून में ये लिखा है कि यदि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक गीला माल का दुकान खोलना चाहता हूँ, क्या उस गीला माल दुकान को खोलने के लिए क्या हम दूसरा दुकान जो गीला माल खोल के रखा हुआ है उसको हम परमिशन लेगा क्या कि हम गीला माल दुकान खोलने जा रहा है, आप हमको परमिशन देगा क्या, ऐसे पूछा जाता है क्या? ऐसे नहीं होता है। ये गीला माल दुकान खोलने के लाइसेंस जो है डीसी के थ्रू से होता है या फिर आईएमसी के थ्रू से होता है। तो ऐसा ही जो भी मीडिया हाउसेस करके मतलब जो या फिर आरएनआई से रजिस्टर होता है या फिर जो है एमएसएमई वहां से जो रजिस्टर होता है या फिर यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में डीसी या फिर आईएमसी से जो रजिस्टर करके मीडिया हाउसेस चलाना चाहता है उनको कहीं भी पाबंदी नहीं होना चाहिए ना, जिसको हम लोग लेकर के अपना आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये मीडिया हाउसेस का एक खिलाफ होता है, क्योंकि जो काम करना चाहता है उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका देना चाहिए। और दूसरा तीसरा बात यह है कि हमारा जो आज यहाँ पर 33 जो मीडिया हाउसेस जो आज यहाँ पर इनक्लूड जो आए हैं, इसको हमने सीधा ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि यदि आप न्यूज़ करना चाहता है तो आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए, आपको क्वालिटी में बनाना चाहिए। और जिसको कि आज के ज़माने में ये बोला जा रहा है कि मोबाइल का जो है न्यूज़ चैनल बोला जा रहा है, तो हमने अपना ग्रुप वालों को ये कहा है कि जो क्वालिटी को मेंटेन करना है उसके बाद कंटेंट अपना आपसे अच्छा क्रिएट करना है जो कि जनता का आवाज़ बन सके। हम लोग ये बोलते हैं ना कि मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये भी कहा जाता है कि मिरर ऑफ द सोसाइटी, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि समाज का आप दर्पण है या फिर आईना है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि जो जनता का आवाज़ है उसको सरकार तक पहुँचाना और सरकार का अच्छा काम को जनता तक पहुंचाना, ये एक मीडिया का काम होता है। तो इसको हमने स्ट्रिक्टली आज के हमारे इस ग्रुप में हमने डिस्कशन किया है, 32 जितना मीडिया हाउसेस है उसको हमने डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे न्यूज़ बनाना चाहिए। और छोटा बात यह है कि हम उस जगह में काम करना नहीं चाहते हैं जहाँ पर जो है सरकार का दबाव हो। हम जितने भी जो अरुणाचल के मीडिया हाउसेस से ये अपील करना चाहते हैं कि सच्चाई को सच्चाई दिखाना चाहिए और गलत को गलत दिखाना चाहिए। जब तक ऐसे नहीं दिखाओगे तो मीडिया का इंडिपेंडेंट, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा बात रखने का जो प्रिदम है वो जो है कत्ल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसलिए क्लियरली ये कहा है कि सरकार अगर गलत काम करता है तो उसको भी दिखाना चाहिए और सरकार अगर अच्छा काम करता है तो उसको भी जनता तक लेना चाहिए, ना कि सरकार का दबाव में आ करके कभी भी किसी भी न्यूज़ को नहीं करना चाहिए। अगर कोई सरकार बड़े अधिकारी से फोन कॉल आता है कि उस न्यूज़ को आपको नहीं बनाना है तो ऐसे में न्यूज़ का इंडिपेंडेंट जो खत्म हो जाता है। तो हमने आज हमारा जो है ये ऑल अरुणाचल प्रेस मीडिया जो वेलफेयर सोसाइटी है इसमें हमने इस बात को क्लियरली डायरेक्शन दिया है कि आप किसी के दबाव में आपको न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए और जो सच्चाई है जो जनता तक पहुंचना चाहिए इसको दिखाने के लिए हमने बात किया हुआ है। और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट में जो मीडिया चैनल जो खोल रहा है उसको भी अपील है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ग्रुप को जो है बात करके आप यहाँ पर मेंबरशिप हो सकता है और हमने ऑलरेडी मेंबरशिप का भी ड्राइव शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं आज दूर दराज से और ये ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए,
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर दराज से आ करके आज के इस हमारे जो है पहला बैठक में जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरिम कमिटी का फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को जनरल मीटिंग है जिसमें पार्टिसिपेट किया और तवांग से भी लोग मैसेज कर रहे थे कि वो किसी भी हालत में आज आना चाहते थे लेकिन वहाँ पर जो वेदर खराब के कारण से नहीं पहुँच पाए। बाकी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से आया है और उनका यही कहना है कि ऐसे सोसाइटी होना चाहिए जो आगे जा करके हमारा जो जितना भी प्रेस पैटर्न नीति है उसको लीड कर सके, खासकर जितना भी जो उबरता हुआ जो रिपोर्टर है या फिर जो मीडिया हाउसेस है उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए उसके वेलफेयर के लिए बात कर सके, ऐसे एक होना चाहिए जिसको लेकर के आज हमने ये बैठक किया हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर आज एजेंडा जो रखा है जो जितना भी जो यहाँ पर आया उनके लिए हमने एजेंडा ये रखा था कि जिसमें हम लोग बात करना चाहिए, मेन चीज था जिसमें करना चाहिए, वर्कशॉप के बारे में हमने बात किया, बेसिक लीगल ट्रेनिंग के बारे में हमने बात किया, पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग है इसके ऊपर हमने बात किया, उसके बाद एनुअल गेट टुगेदर और लीगल सेल, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी मीडिया जो रिपोर्टर के लिए जो लीगल एड्स होता है, लीगल जो होता है मतलब कि आप जब न्यूज़ करने जाते हो तो अच्छा चीज़ क्या है, खराब चीज़ क्या है और लोगों के लिए कैसा न्यूज़ करना चाहिए, तो इसको लेकर के हम लोग आने वाला समय में हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज मतलब जो सोसाइटी है ये जो है आने वाला समय में इन चीज़ों को तय करके हम लोग जो है पूरा स्टेट में जो है फैलेगा। और हमने शुरू में कहा है कि हम किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये हम लोग ने इंडिपेंडेंटली जो दूसरे मीडिया हाउसेस क्लब में जो है जो मेंबरशिप नहीं है जो वहाँ कहा जाता है कि नॉन एफिलिएटेड कहा जाता है उनको हम लोगों ने निकालकर आज हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाया है, ये आज का मेरा ब्रीफिंग है। और हमको यहाँ पर जो है इंटरिम चेयरमैन दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ पर हमको प्रेसिडेंट दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो हमको जो दायित्व दिया है और तमाम लोगों ने मुझे भरोसा जताया है कि आप ही इसको करके जो है सरकार से जो है तालमेल हो करके या फिर आईपीआर डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके मीडिया पैटर्निटी के लिए यानी हमारा जो जितना सोसाइटी में जो मेंबर है उनके लिए अच्छा काम कर सकता है, इसीलिए हमको प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया और इसी प्रेसिडेंटशिप को मैं जो है स्वीकार करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो टेन्योर में जो है हमारे जितना भी जो रिपोर्टर है या फिर जर्नलिस्ट है उनको कोई आँच ना आए, उनको कोई गलत दुर्व्यवहार ना करे, ऐसे में अपने टेन्योर में इन चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए, साथ ही साथ जो मीडिया रिपोर्टर का जितना भी जो इंश्योरेंस होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी प्रिविलेज मिलता है उसको मैं अपना हक को फाइट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो यही है, आखिर में हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि जितना भी हमारा जो अभी ऑल अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें अभी तक 32 जो है हमारा जो है मेंबर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अरुणाचल के जनता को हमने ये कोशिश किया है कि आपका आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि हम भी आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है और हमारा कोशिश ये है कि आपके आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो भी गलत काम हो रहा है जिसको हम लोग करप्शन बोलते हैं तो ऐसी चीज़ों को आवाज़ उठाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग अधूरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो है ऑल अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी में 32 मेंबर है और आने वाला समय में ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब ये बढ़ेगा तो उसके बाद हम लोग आपको अपडेट देंगे, तो उसके बाद जो है जितना भी आपको प्रेस ब्रीफिंग करना हो या फिर हमारे लोगों को कैसे आपको तालमेल करना है, कैसे आपको कॉन्टेक्ट करना है वो आपको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग ने फॉर्म किया हुआ है लेकिन ये जब रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद हमारा अलग ऑफिस होगा और डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिस खोल दिया जाएगा, तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खुशी की बात है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्रेस क्लब होगा जहां पर आप अपना बात को आप रख सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आने वाला एक महीने के अंदर ये सब हो जाए ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ जितने भी अरुणाचल के जनता जो है आज के इस खबर को जो लोग देख रहा है आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है ऑल अरुणाचल फ्रेश मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से आज आप लोग जाने जाएंगे और जिसमें 32 मेंबर्स हैं और ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा और इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे में उम्मीद करता हूं। और जनता के सपोर्ट के बिना हम सब कुछ नहीं है और हमारा कोशिश है आपका आवाज़ बनने के लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी टीम की ओर से यानी ऑल अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।